हैं मिनरल्स चैप्टर्स. आर यू ऑल रेडी? ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से. हम लोगों को ऑलरेडी पता है मिनरल्स क्या होते हैं. सबको पता है मिनरल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं मिनरल्स एवरीवन? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. क्या है? नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? इनका क्या होता है? इनका अपना विद ओन फिजिकल कॉम्पोजिशन, ऑल राइट, विद देयर ओन फिजिकल कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज, इनका अपना फिक्स्ड फिजिकल केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जो कि इनको रॉक से डिफरेंट करता है. सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स? रॉक्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट कॉम्पोजिशन, वेयर एज मिनरल हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. इज दिस क्लियर टिल हियर? Such kind of a question will not come in your board examination. That is just for your general knowledge sake, so that your basic is developed while writing the answers. Is this clear till here? Now, there are different types of minerals. What are these different types of minerals? Metallic. What are metallic minerals? Minerals which has metal. What are non-metallic minerals? What are non-metallic minerals? Minerals devoid of metal. Jaise limestone, gypsums. ये सब क्या हो गए हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स. देन वी हैव मिनरल फ्यूल्स, जिसमें आता है हमारा कोल, पेट्रोलियम, ऑल राइट, नेचुरल गैस, ये सब आते हैं हमारे मिनरल फ्यूल्स में. बोर्ड क्या कह रहा है कि आपको मेटालिक मिनरल पता होने चाहिए और मिनरल फ्यूल पता होने चाहिए पार्ट वन में से. इज दिस क्लियर टिल है? मेटालिक मिनरल में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन बोर्ड हमें क्या कह रहा है लास्ट मोमेंट पे लर्न करने को, एक तो हमें आयरन लर्न करना है, दूसरा हमें मैग्नीज करना है, एंड द थर्ड वन इज कॉपर. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Yes or no? Yes. So let's begin with iron. All right. So iron कहाँ से मिलता है हमें? Iron मिलता है iron ore से. Is this clear till here? What are ore? Ore are minerals which contains metals. ठीक है, ore क्या होते हैं? वो minerals जिसमें metal होते हैं. तो iron ore है तो उसमें iron होगा. ठीक है, copper ore है तो उसमें क्या होगा? Copper होगा. Is this clear till here? आ गई बात समझ में? अब आयरन के साथ साथ हमें देखना है कि आयरन के मेन फोर टाइप्स कौन से होते हैं. ठीक है, आयरन जो होता है बेसिकली चार टाइप का होता है. तो हम लोगों ने क्या लर्न करा था, इसको कैसे लर्न करा था आयरन को? हेमासेली. ऑल राइट, सो व्हाट इज हेमासेली? एच ई फॉर हेमाटाइट. बेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज मैग्नेटाइट. SI is sidrite, side or right. और Li is for limonite. So what are the four varieties of iron? Hematite, hema जो है बिल्कुल tight है, all right. फिर next हमारा magnet भी tight है, side में right है, और limo भी, limo जो है वो night में आएगी, तो limonite. Is this clear? So what are the four varieties of iron? Hematite, मैग्नाटाइट, साइड राइट और लिमो नाइट. इज दिस क्लियर टिल हियर? हैव यू अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आयरन से आता है वो है हमारा आयरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन वर्ल्ड? तो हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन वर्ल्ड? इंडिया. इज दिस क्लियर टिल हियर? हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन वर्ल्ड? इंडिया. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट थिंग इज कि इम्पोर्टेंस क्या है आयरन का. ठीक है, कोई भी हम लोग करते हैं तो उसका यूज तो होगा ही होगा ना. तो आयरन का क्या यूज है? सबसे पहला है, इट इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. सो यूजेस कर लेते हैं हम लोग. यूजेस ऑफ आयरन, क्या क्या यूज है आयरन का? नंबर वन इज इट इज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. अब नाउ क्वेश्चन विल कम, वाई इज आयरन कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री? वाई इट इज कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री? Because all the machinery and heavy equipments are made with the help of iron. Is this clear till here? आ गई बात समझ में? So that is why it is called as, and it is a किस तरीके का ये metal है? ये किस तरीके का metal है? ये basic metal है. Iron और steel दोनों ही basic metals होते हैं, heavy metals होते हैं. जितनी बाकी industries होती है वो भी किस पे dependent होती है? Iron और steel पे dependent होती है. Which is why it is also known as backbone of modern industry. Is this clear to everyone?
सो फर्स्ट यूज ऑफ आयरन इज इट इज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील. किस लिए यूज कर रहे हैं हम आयरन आयरन को? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील. और कहाँ यूज हो रहा है? इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स. और क्या कर रहे हैं हम? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. जितने भी एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हैं वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं? हमारे आयरन की वजह से हो रहे हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट इज इट इज यूज टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों? डैम्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए. घर बनते हैं, घर में इतना सारा सरिये का, आयरन का यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है? टू गिव इट अ गुड स्ट्रेंथ, यस और नो? सो इट इज यूज फॉर बिल्डिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एंड सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, इट इज यूज टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉय. एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलॉय ऑफ आयरन? स्टील. इज दिस क्लियर टिल हियर? ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं आई? 100%. शैल वी मूव फॉरवर्ड? नाउ कम्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आयरन का. ऑलराइट, सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन? कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें आयरन? एक तो मिल रहा है गोवा में, गोवा वाले बीच पे. इज दिस क्लियर डिल है? तो कहाँ मिल रहा है हमें? गोवा में. दूसरा हमें कहाँ मिल रहा है? ये ओडिशा में. कैन यू टेल मी विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन इंडिया? गोवा और ओडिशा? ओडिशा. विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ, लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? द आंसर विल बी ओडिशा. ओडिशा. ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव झारखंड, एंड लास्ट वन इज छत्तीसगढ़. ऑल राइट, इज दिस क्लियर टिल हियर? सो व्हाट आर द फोर आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मेजर आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स? गोवा, ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़. इज दिस क्लियर टिल हियर? इसमें से आपने कोई भी दो दो इनके फील्ड्स याद रख लेनी है कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है. जैसे कि उड़ीसा, उड़ीसा में है हमारा मयूरगंज, ठीक है, और सुंदरगढ़. इज दिस क्लियर टिल है? झारखंड में क्या है? सिंहभूम. क्या है? सिंहभूम बहुत फेमस है. एंड छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस है दुर्ग, दुर्ग और बस्तर. इज दिस क्लियर टिल है? इज दिस क्लियर टिल है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू कंट्रीज To which iron ore is exported? तो कौन सी दो countries हैं जिनको हम iron ore export करते हैं? Japan और Korea. आजकल के drama बहुत देखते हो ना तुम लोग, बस उससे Korea याद रखना और वो मिलता जुलता है Japan से. Ramen तो दोनों में common चल रहा है ना, तो Japan and Korea. Is this clear till है? आ गया बात समझ में? Iron clear हो गया सबको? Sure, 110%. पक्का बोलो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? 100%. आगे बढ़ जाए. जो लोग ऑनलाइन है, इज इट क्लियर टू यू? चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो रिवाइज कर रहे हैं वो है हमारा मैग्नीज. क्या है हमारा? मैग्नीज. ऑल राइट, सो मैग्नीज के बारे में हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो करने वाले हैं वो ये है कि क्वेश्चन आएगा आपका, नेम द मिनरल विच इज यूज फॉर मेकिंग आयरन एंड स्टील. कौन सा ऐसा मिनरल है जो कि हेल्प करता है फॉर मेकिंग आयरन एंड स्टील? मैग्नीज. इज दिस क्लियर टिल है? इज दिस क्लियर टिल है? या कौन सा ऐसा मिनरल है जो स्टील की क्या बढ़ा देता है? स्ट्रेंथ इंप्रूव कर देता है. तो स्टील की स्ट्रेंथ कौन इंप्रूव करता है? मैग्नीज. इज दिस क्लियर टिल है? तो अगर क्वेश्चन आया हेल्प कर रहा है, किसमें हेल्प कर रहा है? टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील, तो आंसर क्या होगा? मैग्नीज. अगर क्वेश्चन कहता है नेम द मिनरल या नेम द मेटल विच हेल्प्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, तो स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा स्टील की? मैग्नीज. इज दिस क्लियर टिल है? आ गई बात समझ में? तो ये दो यूजेस भी हो गए हैं इसके. और क्या यूजेस हैं हमारे मैग्नीज के? ये इलेक्ट्रिकल और ग्लास इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत वाइडली यूज होता है. कौन सी इंडस्ट्री में? यूज वाइडली इन इलेक्ट्रिकल एंड ग्लास इंडस्ट्री. इज दिस क्लियर? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उनको बनाने में भी कौन सा यूज होता है? मैग्नीज यूज होता है. तो इट इज वेरी वेल यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री. इज दिस क्लियर एवरीवन? इट इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग व्हाट? ब्लीचिंग पाउडर. इज दिस क्लियर?
इट इज यूज टू मेक ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, ऑल राइट, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पेंट, पिगमेंट्स, सेरेमिक्स. सेरेमिक्स सबको पता है, जिससे टाइल्स वगैरह बनती है, बॉन चाइना कप्स बनते हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड एज सेरेमिक्स. आपने पढ़ा भी होगा, बड़ी सारी जगह लिखा होता है कजरिया सेरेमिक्स, सो एंड सो सेरेमिक्स. आप उसे क्रीमिक्स पढ़ के बैठ जाते हो, वो क्रीमिक्स नहीं है, वो सेरेमिक्स है. इज दिस क्लियर टिल हियर? वॉश बेसिन जिससे बनता है दैट इज सेरेमिक, टाइल्स जिससे बनती है दैट इज सेरेमिक. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? मैग्नीज के यूजेस पता चल गए सबको? व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नीज? क्विकली, हेल्प्स टू प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील. सेकेंड वन, इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील. थर्ड वन, used in glass and electrical industries. Third, it is used in chemical industries as bleaching powder, insecticides, and it is also used in order to make paints and ceramics. Is this clear till here? Next, जो हमारे को इसमें से करना है वो क्या करना है कि कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर ये produce होता है. So what is the distribution? What are the locations where manganese is produced? So what are the locations? Odisha. All right, MP, Karnataka, Maharashtra, और हम सबका फेवरेट, बहुत ही प्यारा, झारखंड. तो अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, आपको बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है कि यार ये मेटल कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, आप कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप बेहिचक झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका लिख ही दीजिएगा बिना किसी डर के. इज दिस क्लियर टिल है? क्योंकि मैक्सिमम मेटल्स आपको झारखंड छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे. इवन इफ झारखंड छत्तीसगढ़ उसका लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं होगा तो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स तो जरूर होगा. तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो आप झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा कर्नाटका जरूर लिख दीजिए अपने आंसर्स में. इज दिस क्लियर टिल है? आ गई ये बात समझ में? ये था आपका एक ट्रिक कि अगर नहीं यार हो गए ब्लैंक, नहीं याद आ रहा है क्या करना है, तो आप झारखंड छत्तीसगढ़ कर्नाटका और उड़ीसा प्यार से बड़े मजे से लिख दीजिए, ठीक है? ऑल राइट, इज दिस क्लियर टिल है? अच्छा, अब जो हमारा इंडिया का मैग्नीज है ना, वो बहुत हाई डिमांड में रहता है, वेरी वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड. कैन समवन टेल मी व्हाई इट इज इन हाई डिमांड? यस अर्जुन. यस, बिकॉज ऑफ द वेरी हाई क्वालिटी विच इज फाउंड इन इंडिया. इज दिस क्लियर? लार्जेस्ट बायर कौन है मैग्नीज का इंडिया में से? जापान. ऐसा नहीं है कि हम ही सब कुछ खरीदते हैं, वो लोग भी हमसे खरीदते हैं भाई. इज दिस क्लियर टिल है? इज दिस क्लियर टिल है? आया कि नहीं आया? अब मुझे एक मानव बताएगा. मानव जल्दी से बताओ मुझे कि मैग्नीज का लार्ज कौन सी स्टेट है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया? मध्य प्रदेश. आर यू श्योर? इज ही राइट? 100%. सो द आंसर इज मध्य प्रदेश. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? प्लीज, हर एक आयरन, मैग्नीज और कॉपर ही आ रहा है, तो इन तीनों के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देख लीजिएगा. ऑल राइट, और उसको जरूर जरूर करके जाना है हमने. इज दिस क्लियर? नाउ द लास्ट वन, वी हैव कॉपर. आर यू ऑलरेडी? आर यू ऑलरेडी? सो कॉपर यूजेस करते हैं सबसे पहले, किसमें यूज होता है? इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में. अच्छा, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में क्यों यूज होता है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. इज दिस क्लियर टिल हियर? हाई डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम बोलते हैं कि वो डक्टाइल है. इज दिस क्लियर टिल हियर? सो इट कैन बी इजिली मेड इन टू वायर, दैट इज वाई वी से इट हैज हाई डक्टिलिटी. सेकेंड थिंग, अब बिकॉज इट हैज़ टू बी यूज इन इलेक्ट्रिकल थिंग, सो इट हैज़ टू हैव गुड कंडक्टिविटी, इट हैज़ टू बी गुड कंडक्टर, सो इट हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. इज दिस क्लियर टिल है? थर्मल कंडक्टिविटी. तभी तो देखो, जो पुराने टाइम पे खाना बनता था वो तांबे के बर्तन में, कॉपर के बर्तन में बना करता था. वाई? बिकॉज इट हैज़ हाई कंडक्टिविटी, जल्दी खाना बन जाता था. राइट और रॉन्ग? और ऊपर से ये हमारा किसमें इस्तेमाल होता है? वायर्स में होता है, बिकॉज इट हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी एज वेल एज हाई डक्टिलिटी. इज दिस क्लियर टिल हियर एवरीवन? दूसरा, इसमें करोजन नहीं होता है, ठीक है?
इज दिस क्लियर टिल हियर? अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अलॉयज को भी पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे हम इसके? नाउ क्विकली मुझे बताओ, कॉपर के अलॉयज कौन कौन से हैं? ब्रास एंड, ब्रास एंड जिंक, ब्रॉन्ज. इज दिस क्लियर टिल हियर? इज दिस क्लियर टिल हियर? कौन कौन सी स्टेट्स है हमारा फेवरेट? झारखंड और राजस्थान और मध्य प्रदेश. इज दिस क्लियर टिल है? आ गया यहाँ तक समझ? कोई इशू, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो तीनों के तीनों क्लियर हो गए. तीनों के हमें क्या क्या पता होने चाहिए? यूजेस और डिस्ट्रीब्यूशन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स क्विकली रिवाइज पार्ट टू. पार्ट टू में हम लोग करेंगे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, कोल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है पावर का इंडिया में. तो क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया, द आंसर विल बी कोल. इज दिस क्लियर टिल है? कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक गोल्ड. वाई इट इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड? Because it has high utility as an energy resource and it is used as a raw material for large number of industries. Is this clear till here? फिर हम बात करते हैं varieties की. कौन कौन सी varieties है? Varieties बोल लीजिए या फिर stages बोल लीजिए. सबसे best variety होती है coal की anthracite. Which is the best variety of coal? Anthracite. पर India में anthracite मिलता है? बहुत कम मिलता है. Only in two states, otherwise India में anthracite नहीं मिलता. इंडिया में बहुत वाइडली क्या मिलता है? बिटुमिनस, विच इज द सेकेंड बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल. थर्ड आता है हमारा लिगनाइट. और सबसे बेकार क्वालिटी है जो फर्स्ट स्टेज होती है कोल प्रोडक्शन की, वो होती है पीट. ये सबसे बेकार इसलिए क्योंकि आप इसको बर्न ही नहीं कर सकते हो. ये कच्चा कोयला है, ये बर्न भी नहीं हो सकता, जल भी नहीं सकता. इज दिस क्लियर टिल है? आगे बात समझ में? ऑल राइट, सो विच इज द बेस्ट बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल? Anthracite. Which is the best variety of coal? Anthracite. And name the state which produces anthracite? Jammu and Kashmir. Is this clear till here? Which is the poorest variety? Peat. Name the state jo peat produce karta hai? Bihar. Is this clear till here? India mein widely kaun sa produce hota hai? Bituminous. Widely kaun sa produce hota hai? Bituminous. और बिटुमिनस प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से हैं? वेरी गुड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड भी लिख सकते हो, बट बिहार. इज दिस क्लियर टिल है? इज दिस क्लियर टिल है? नेक्स्ट थिंग हमारे को बतानी है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल. तो जल्दी से बताएंगे यूजेस कोल के. वन इज इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ पावर. So it's a very valuable energy resource. It helps in generation of power. और क्या use है? हाँ जी, हाँ, it is widely used in iron and steel industry. Very good. What else? What else? Come on, quickly tell me. Okay. So it is also helpful in. Yes, Manav, what are the uses of coal? Which industries? It is used in chemical industries. How it is used in chemical industries? In the form of fuel. So it is a very, very important energy resource. It is a very important fuel. It is widely used in iron and steel industry. It is important for thermal power generation. Right? Right? Okay, it is also used domestically. All right, it is also used for domestic purposes. Is this clear till here? Is this clear till here? इसके सिवा आपको पता होनी चाहिए coal mines. आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए important coal mines. Is this clear? So आप मुझे बताइए which is the richest and the oldest coal fields in India. सबसे पहला है झरिया. झरिया कहाँ पर है हमारा? झारखंड. झा से झरिया, झा से झारखंड. इज दिस क्लियर टिल है? दूसरा
रानीगंज, रानीगंज इज वेयर, वेस्ट बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इज दिस क्लियर टिल हेयर? इज दिस क्लियर टिल हेयर? यस और नो? श्योर? 100%? 100%? Shall we move forward? Next, what do we have? Next, we have petroleum. Okay? Petroleum is also called as liquid gold. क्या बोलते हैं इसको हम? Liquid gold. अगर हम coal को black gold बोलते हैं, तो हम petroleum को क्या बोलते हैं? Liquid gold. So, petroleum is obtained from rocks, which is why it is also called as mineral oil or rock oil. Uses क्या है इसके? पेट्रोलियम के यूजेस बताइए फटाफट से. इट इज यूज एज फ्यूल, इट इज यूज एज अ, इट इज यूज एज अ फ्यूल. नेक्स्ट थिंग, इट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट एंड रॉ मटीरियल इन वेरियस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. तो जब हम पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पेट्रोल डीजल सबको लेके चलना है. इज दिस क्लियर टिल हियर? सो इट इज यूज एज, इट इज यूज एज लुब्रिकेंट. Okay, it is used for making raw material in various petrochemical industry. It is used for making products like petrol, diesel, kerosene oil, paraffin wax. Is this clear till here? Is this clear till here? Yes or no? अच्छा आप बताइए मुझे, which is the oldest oil producing state in India? Oldest oil producing state कौन सी है? Very good. Oldest oil producing state is Assam. Is this clear? Next, which is the oldest oil field? अगर question कहता है oldest oil field बताओ, तो what is the oldest oil field? Digboi. Is this clear? उसके सिवा हमारा बहुत important question है offshore oil field के बारे में. So which is the offshore oil field? Mumbai High. उसके सिवा? Elephant. एली आलिया भट्ट मतलब क्या जाना? इट्स आलिया भट्ट. इज दिस क्लियर टिल हियर? ओके और नेक्स्ट इज बेसिन. सो व्हाट आर द ऑफशोर? इज दिस क्लियर? यस और नो? कोई आलिया भट्ट तो नहीं लिख के आएगा कल? कृष्णा पुंडीर कल आलिया भट्ट तो नहीं लिख के आओगे? पक्का? अब तो रणबीर कपूर भी डांटेगा अगर आलिया भट्ट लिख के आ गए, है ना? जरा संभल के भाई, नहीं तो उसने तुम्हारा ही केसरिया वालम बना देना है. राइट? ओके. सो व्हाट यू नीड टू नो दैट आपको पता होना चाहिए कि मुंबई हाई का लोकेशन भी मार्क करने को आएगा, तो प्लीज इसके बारे में आप लोग बहुत ज्यादा विजिलेंट रहेंगे. ओके, दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड बाय बोर्ड ऑल्सो. नेम टू ऑफशोर ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया. सो यू कैन राइट मुंबई हाई और बेसिन और मुंबई हाई और एलिबेट. ऑल राइट, अगर आपसे पूछते हैं नेम टू ऑयल फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, तो वेस्टर्न इंडिया की हमारी ऑयल फील्ड्स है अंकलेश्वर और अहमदाबाद. इज दिस क्लियर? मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ. ओके, वेस्टर्न इंडिया की जो हमारी ऑयल फील्ड्स है वो कौन कौन सी है बेटा? अहमदाबाद और अंकलेश्वर. दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन 2009. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, तो मुंबई हाई से रिलेटेड हम लोग कुछ चीजें याद रख लेते हैं. मुंबई हाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉम्बे हाई. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कहाँ पे लोकेटेड, कहाँ पर है मुंबई हाई? यस, इट इज लोकेटेड अबाउट 1676 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई. इज दिस क्लियर टिल हियर? इज दिस क्लियर टिल हियर? सो आप इसको सीधा सीधा लोकेशन लिख सकते हैं. इट इज लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ मुंबई. क्या लिख सकते हैं आप इसको? कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ मुंबई. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दूसरा, प्लेटफॉर्म कौन सा डिजाइन है? सागर सम्राट. इज दिस क्लियर? कब फाउंड हुआ था? 1974. बट ये क्वेश्चन नहीं आएगा, प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा इसकी लोकेशन पे, ज्यादा से ज्यादा. इज दिस क्लियर टू हियर?
यहां तक समझ आया? शो ऑल राइट. All right. Now tell me, name the world's largest private sector owned oil refinery. प्राइवेट सेक्टर ओन्ड रिफाइनरी कौन सी है? देखो हर जगह जियो जियो हो रहा है तो इट विल बी रिलायंस. ऑल राइट, जामनगर ऑयल रिफाइनरी, दैट इज रिलायंस. जामनगर ऑयल रिफाइनरी, जामनगर, वहीं जहाँ जेठालाल जाता रहता है. इज दिस क्लियर टिल हियर? अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जो ऑयल रिफाइनरीज होती है ज्यादातर कहाँ पर लोकेटेड होती है? पोर्ट्स के पास लोकेटेड होती है. कैन यू टेल मी व्हाई इट इज लोकेटेड नियर द पोर्ट्स? Yes, to avoid the risk of transporting mineral oil inside the country due to inflammable nature. All right, अगर हम inside करेंगे pipelines की तरह करेंगे तो क्या हो सकता है? डर रहता है because it is very highly inflammable. Is this clear till here? आ गई बात समझ में? Next हम बात करते हैं natural gases की. Are you all ready? All right. Okay, so natural gas में अगर हम बात करते हैं तो natural gas सर सबसे इम्पॉर्टेंट हमें याद रखना है कि कौन सी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रिलेटेड टू नेचुरल गैस. सो विच इज द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू नेचुरल गैस? गेन. इज दिस क्लियर? व्हाट इज गेन? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. इज दिस क्लियर टिल हियर? नेचुरल गैसेज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. एक होती है बायोजेनिक, एक होती है थर्मोजेनिक. बायोजेनिक वो होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलती है, और थर्मोजेनिक जो होती है जो अर्थ के अंदर होती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. जब हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पहले सबसे पहले नेचुरल गैस निकलती है. यूजेस क्या है नेचुरल गैस के, याद रखिएगा. नेचुरल गैसेस, नंबर वन, इट इज रिन्यूएबल. ओके, जबकि पेट्रोलियम क्या है? नॉन रिन्यूएबल है. और नेचुरल गैस क्या है? रिन्यूएबल है. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्या है? इको फ्रेंडली है. ऑल राइट, चीप है. अच्छा, कोई भी चीज आती है, चाहे वो विंड एनर्जी आए, सोलर एनर्जी आए, कोई भी हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में याद लिख रहे हैं, उसके बेनिफिट्स लिख रहे हैं, तो वो हमेशा यही रहते हैं. क्या बेनिफिट्स है? चीप, इको फ्रेंडली, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. और दूसरा हमारे को पता होना चाहिए, नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज इन होम एज कुकिंग गैस इन द फॉर्म ऑफ LPG. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? अब हम लोगों को पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैसेस के एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए. तो पेट्रोलियम और कोल का तो हमें बहुत ही क्लियरली पता है कि क्या है, इट इज नॉन रिन्यूएबल, ठीक है. सेकेंड, इट कॉजेज एयर पोल्यूशन. इज दिस क्लियर टिल हियर? सो इन दोनों का तो कॉमन चलता है कि हमें पता ही है. नेचुरल गैस का डिसएडवांटेज क्या है? इट इज हाईली वॉलेटाइल. क्या डिसएडवांटेज है नेचुरल गैस का? ये आपका स्पेसिमेन में भी पूछा गया था. ऑल राइट, what are the disadvantages of natural gas? Highly volatile. Next, because it is colorless, odorless, ना तो इसका कोई कलर है, ना ही इसकी कोई स्मेल है, odorless, ना ही इसका कोई टेस्ट है, tasteless है. तो अब मुझसे देवांश पूछ रहा है, मैम हमने खा के थोड़ी ना देखना था, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसी है तो जैसे भी है, अपनी है, हम तो एक्सेप्ट करेंगे, बड़े एक्सेप्टेबल लोग हैं हम, कोई जजमेंटल नहीं है. बट दिक्कत क्या है? बिकॉज इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, तो अगर इसका लीकेज होता है ना तो इसका डिटेक्शन नहीं हो पाता. सो बिकॉज इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, लीकेज डिटेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट. इज दिस क्लियर? पता ही नहीं चलेगा कहाँ लीकेज हो गया. इज दिस क्लियर टिल है? Is this clear to everyone? And next thing is, it cannot be used at large scale. Is this clear to everyone? Yes or no? Yes or no? 100%? Shall we move forward? Next thing that we need to understand is hydel power. What is hydel power? Yes, very good. When we produce electricity by water, it is called as hydroelectricity, hydel power. So when you are generating power with the use of the force of water, it is called as hydel power. अब इसके लिए हम लोग क्या ही बनाते हैं? इसके लिए हमारे कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स या डैम्स होते हैं विच द गवर्नमेंट डेवलप्स. नाउ व्हाट आर मल्टीपर्पज डैम्स? मल्टीपर्पज का मतलब क्या होता है कि है तो एक पर यूजेस बहुत सारे हैं. Is this clear till here? So dams are not only used for the purpose of
प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर यूज फॉर वेरियस अदर पर्पसेज ऑल्सो सच एज प्रोवाइडिंग टूरिस्ट बेनिफिट. जैसे टीरी डैम है, टीरी डैम इज नॉट ओनली यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑल्सो, राइट? येस और नो? इट इज ऑल्सो, एनी डैम इज ऑल्सो यूज फॉर कंजर्विंग द रेन वॉटर. इज दिस क्लियर टू एवरी वन? येस और नो? सो देर आर टू डैम्स जो हमारे को पढ़ने हैं. वन इज भाकर नागल डैम प्रोजेक्ट, भाकरा नागल डैम प्रोजेक्ट, एंड द अदर वन इज योर हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज महानदी प्रोजेक्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज महानदी प्रोजेक्ट. इज दिस क्लियर टू एवरी वन? इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है? लोकेशन, लोकेशन एज इन विच रिवर इट इज लोकेटेड. सो भाकरा नागल डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? इट कुड बी बियास और सतलुज. द क्वेश्चन कैन कम, नेम द प्रोजेक्ट विच इज लोकेटेड ऑन रिवर सतलुज. तो आंसर विल बी भाकर नागर डैम प्रोजेक्ट. इज दिस क्लियर टिल हियर? इज दिस क्लियर टिल हियर? कैन यू नेम द स्टेट्स विच आर बेनिफिटेड फ्रॉम इट? एक तो है हमारा पंजाब, दूसरा है हरियाणा, और तीसरा है हमारा राजस्थान. इज दिस क्लियर टिल हियर? नेक्स्ट वी हैव हीराकुंड और महानदी प्रोजेक्ट. ऑब्वियसली कौन सी रिवर पे है? महानदी. कौन सी स्टेट बेनिफिट होती है इससे? उड़ीसा एंड एमपी. महानदी कहाँ से पास हो रही है? महानदी पास ही होती है उड़ीसा और एमपी से. तो कौन सी स्टेट्स बेनिफिट होएगी? उड़ीसा एंड एमपी. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? श्योर? ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें लास्ट रह जाते हैं वो है हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, विच इज योर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. कौन कौन सी आ रही है? न्यूक्लियर एनर्जी. व्हाट एल्स बच्चों? बायोगैस. इज दिस क्लियर? सो इन सब में कॉमन क्या है? इन सब के एडवांटेजेस. क्या एडवांटेजेस कॉमन है बच्चों इनके? दे आर इको फ्रेंडली, चीप. व्हाट एल्स? डज द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दीज आर देयर एडवांटेजेस. ओके. न्यूक्लियर का ये एडवांटेज नहीं है. बाकी बायोगैस, विंड और सोलर के साथ यही एडवांटेज है. क्या क्या एडवांटेजेस है? दे आर रिन्यूएबल, ठीक है, इको फ्रेंडली और चीप. इज दिस क्लियर टिल है? आ गई ये बात समझ में सबको? यस और नो? यस और नो? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? आगे बढ़े बच्चों? 100%? ओके. सो हम लोग फटाफट से आगे बात करते हैं. किस बारे में बात करते हैं हम लोग? नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज के बारे में. कौन कौन सी नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज है हमने पढ़नी है? सोलर एनर्जी. दे आर रिन्यूएबल, दे आर इनएक्सॉस्टेबल, नॉन पोल्यूटिंग, चीप. तो कोई भी आ जाती है तो हम लोगों को क्या यूजेस याद रखने हैं? दे आर रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल या इनएक्सॉस्टेबल एक ही बात है, ठीक है. दूसरा क्या है हमारा पॉइंट? नॉन पोल्यूटिंग. नेक्स्ट पॉइंट, इको फ्रेंडली. नेक्स्ट पॉइंट, चीप. इज दिस क्लियर टिल हियर? इज दिस क्लियर टिल हियर? यस और नो? ऑलराइट. तो अगर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी हमारे को किससे मिलती है? ऑब्वियसली सनलाइट को ट्रैप करा जाता है विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल, सोलर प्लांट्स. इज दिस क्लियर टिल हियर? इज दिस क्लियर टिल हियर? ओके. एक क्वेश्चन जो है हमारा, इंडिया इज फॉर्चुनेट इनफ टू रिसीव हायर अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, हाउ इज इट पॉसिबल? कैन यू गिव मी द रीजन? येस, बिकॉज इंडिया इज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इट रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. इज दिस क्लियर टिल हियर? विच इज वाई सोलर एनर्जी हमारे को बहुत ईजिली अवेलेबल है. इज दिस क्लियर? फिर हम बात करते हैं विंड एनर्जी की. अच्छा, सोलर एनर्जी को जनरेट करने के लिए दो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं. एक है सोलर कुकर, देन वी हैव सोलर वाटर हीटर. दीज आर ऑल डिवाइसेस विच वी यूज इन ऑर्डर टू जनरेट सोलर एनर्जी. नेक्स्ट वी हैव विंड एनर्जी. विंड एनर्जी का लार्जेस्ट विंड फार्म कहाँ पर लोकेटेड है? कैन एनीबडी टेल मी? तमिलनाडु में. ऑलराइट. सो लार्जेस्ट विंड क्लस्टर इज सिचुएटेड फ्रॉम नारकोइल टू मदुराई इन तमिलनाडु. क्या है विंड क्लस्टर सबसे बड़ा? नारकोइल टू मदुरई इन तमिलनाडु.
इज दिस क्लियर टिल हियर? एडवांटेजेस कॉमन है. फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की. ऑल राइट, सो सबसे पहले आप मुझे बताइए मिनरल विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर न्यूक्लियर पावर. वन इज यूरेनियम, अदर वन यूरेनियम और ब्रेलियम और प्लूटोनियम. दीज आर ऑल मिनरल्स विच आर यूज टू मेक न्यूक्लियर पावर. ऑल राइट, सो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर डेवलप हुआ था इंडिया का? तारापुर. कहाँ पर? तारापुर. एडवांटेजेस क्या है न्यूक्लियर पावर के? लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड. प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत कंटिन्यूस है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है न्यूक्लियर एनर्जी किससे प्रोसेस क्या है इसमें? फिजन की फ्यूजन. फिजन इज दिस क्लियर टिल है? तो बहुत जल्दी डिवाइड होती रहती है. और दूसरा, इट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर फॉसिल फ्यूल. डिसएडवांटेजेस हमें पता ही है, अगर न्यूक्लियर पावर लीकेज हो जाता है तो दैट कैन बी वेरी डिजास्टरस. इज दिस क्लियर टिल है? सो दीज वर द बेसिक पॉइंटर्स. एंड देन वी हैव बायोगैस. सो बायोगैस इज अगेन अ नॉन रिन्यूएबल फ्यूल दैट वी यूज. इसका इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए. क्या आप मुझे बायोगैस का इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, यूजेस बता सकते हैं? हाँ जी, सी इट इज बायोगैस. ओके, मेन कॉम्पोनेंट्स क्या है इसके? मीथेन और इथेन. इज दिस क्लियर? यूजेस क्या है हमारे बायोगैस के? इट इज यूज इन हाउस होल्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस. इट इज नॉन रिन्यूएबल. ठीक, इट इज सॉरी रिन्यूएबल, इको फ्रेंडली. इज दिस क्लियर टिल है? तो यही है हमारा, चीप है. इज दिस क्लियर टिल है? यस और नो? यस और नो? चलिए, अब यहां तक तो हमारा बेसिक रिविजन हो गया. अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.